दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बात करेंगे शिबा इनू कॉइन से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की और शिबा कॉइन की यूटिलिटी को लेकर इंडिया और वर्ल्ड वाइड से काफ़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा शिबा को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। और उसी के साथ बात करेंगे क्या शिबा इनू कॉइन का प्राइस 10 पैसे तक जा सकता है, यहाँ पर इसके प्राइस में जो ग्रोथ है वो क्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और अभी के समय जिस प्राइस रेंज पर है क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस कॉइन में बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अपडेट्स की। यूजर्स कैन नाउ शॉप ऑनलाइन ऑन इट्सी यूजिंग शिबा इनू, जहां पर एक और बड़ी कंपनी के द्वारा यहाँ पर बीटपे के साथ पार्टनरशिप हुई और उसी के थ्रू यहाँ पर शिबा इनू कॉइन का यूज करके आप इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बाय कर सकते हैं। मतलब यूज केस की अगर हम बात करें जो किसी भी कॉइन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पर लगातार ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है शिबा इनू कॉइन का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी है इट्सी, जिसने यहाँ पर यह अनाउंसमेंट किया हुआ है कि वो अब यहाँ पर बीटपे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, और बीटपे के साथ पार्टनरशिप के थ्रू जो यहाँ पर एक पेमेंट प्रोवाइडर का काम कर रहा है, इनके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, विंटेज आइटम्स है और क्राफ्ट सप्लाइज है, उन्हें यहाँ पर अब बाय किया जा सकता है शिबा इनू कॉइन का यूज करके, जो कि अगर आप देखें काफी अच्छी न्यूज है। इससे पहले भी आपने देखा था वर्ल्ड वाइड यहाँ पर शिबा का जो यूज केस है वो लगातार ग्रो कर रहा था, और एक और बड़ी कंपनी ने यहाँ पर पार्टनरशिप की है बीटपे के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और बड़ी अपडेट की, गूगल के द्वारा भी यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को ऐड किया जाएगा। अगर हम गूगल क्लाउड की बात करें, कल यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है कॉइनबेस के साथ, जो वेब 3 का इनोवेशन है उसके लिए यहाँ पर गूगल क्लाउड ने पार्टनरशिप की है कॉइनबेस के साथ, और कॉइनबेस यहाँ पर एक्सचेंज का काम करने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें इन्होंने जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी, और इस लिस्ट में अगर आप देखें BTC और ETH को तो ये एक्सेप्ट करने वाले हैं एज अ पेमेंट, लेकिन इसके अलावा काफी सारे अदर कॉइन्स भी है जो यहाँ पर इनके द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे, जिसमें शिबा इनू भी अवेलेबल है। अगर हम शिबा की बात करें वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसकी कम्युनिटी काफी ज्यादा बड़ी और काफी सारे से होल्डर्स है जिनके पास शिबा इनू अभी होल्ड है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर उनके लिए काफी अच्छी खबर है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी, जो एक काफी बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड, जिसने यहाँ पर पहले ये कहा था कि हम जो क्रिप्टो का एड है उसे बैन करने वाले हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अब आप देख सकते हैं वही यहाँ पर एक्सेप्ट करता हुआ नजर आ रहा है क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो फ्यूचर होगा क्रिप्टो करेंसी का वो कितना ज्यादा ब्राइट होगा, और काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी ब्लॉकचेन में भी और क्रिप्टो करेंसी में, और अभी भी करते हुए नजर आ रही है। शिबा के लिए काफी अच्छी न्यूज है, जो बुलिश न्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पर शिबा कॉइन से। लेकिन अभी की अगर हम बात करें मार्केट में जिस प्रकार की कंडीशन बनी है, FOMC की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद अगर आप देखें आज यहाँ पर जो डेटा है वो और रिवील होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से मार्केट में जो वॉलिटिलिटी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर शिबा के लिए काफी अच्छी अपडेट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अदर कॉइन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एप कॉइन, डॉज कॉइन, लीड कॉइन, स्टेबल कॉइन्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिनको गूगल के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा क्लाउड सर्विसेज के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अगली अपडेट की, इंडिया से जुड़ी ये अपडेट है, जहां पर शिबा जो है वो हाईएस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी बना हुआ है। मतलब अगर हम इंडियंस की बात करें, पहले से भी पॉपुलर काफी ज्यादा था इंडिया में, 2021 में काफी ज्यादा पॉपुलरिटी थी देखने को मिल रही थी शिबा इनू कॉइन की, और अब अगर आप देखें जो डेटा यहां पर रिवील हुआ उसके बाद शिबा इनू बिकम्स द हाईएस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में फिर से शिबा इनू हाईएस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी बना हुआ है। अगर हम कॉइन D6 की बात करें, ZPay की बात करें, ये इंडियन एक्सचेंजेस है जहां पर वॉल्यूम में गिरावट जरूर देखने को मिली है, उसके बावजूद अगर आप देखें यहां पर जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग है वो होते हुए नजर आ रही है, और सबसे ज्यादा ट्रेडिंग यहां पर शिबा कॉइन में अभी भी हो रही है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज पर ये आपको देखने को मिल रहा है 0.0008 के आसपास, ये यहां पर एक ऐसा एरिया है जहां से ये लगातार बाउंस बैक करता हुआ नजर आता है और फिर से इस एरिया पर यहां ये पहुंच। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड विद मोर देन 100 मिलियन पीपल इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। इंडिया में ही आप देख सकते हैं काफी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे वर्ल्ड वाइड। अगर आप कंपेयर करें 100 मिलियन से ज्यादा पीपल है जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, और इस वजह से अगर आप देखें यहां पर जो पॉपुलरिटी है क्रिप्टो की वो काफी ज्यादा है। अभी थोड़ी कम जरूर हुई है क्रिप्टो टैक्स के बाद से, लेकिन फिर भी यहां पर आप देख सकते हैं 9% ऑफ ऑल द क्रिप्टो ट्रेड्स इनिशिएटेड इन इंडिया इज इन शिबा इनू। मतलब शिबा इनू में ही आप देख सकते हैं जितनी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रही है उसका 9% इन्वेस्टर्स यहां पर शिबा में इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप यहां पर शिबा की जो पॉपुलरिटी है उसका कंपेयर कर सकते हैं अदर क्रिप्टोज के साथ। और अगर हम यहां पर 2022 की ही बात करें, 2022 जो शिबा के लिए इतना अच्छा नहीं था उसके बावजूद यहां पर $120 मिलियन से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो शिबा इनू कॉइन में अकेले हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर जो इन्वेस्टर्स है वो शिबा में इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो शिबा इनू कॉइन को होल्ड करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर बर्निंग की, तो लास्ट 24 आवर्स में आप यहां पर बर्निंग देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 154 मिलियन शिबा इनू टोकन को 5 ट्रांजैक्शन के थ्रू बर्न किया है, जिस वजह से अगर हम बर्न रेट की बात करें तो उसमें
में भी यहाँ पर जो पंप है वो देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद ये बर्न रेट यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है। टीम को यहाँ पर थोड़ा वर्क करना चाहिए बर्निंग पे। इसके अलावा अगर हम सप्लाई की बात करें, जो सप्लाई यहाँ पर लगातार रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है, सीएमसी पर वो अपडेट नहीं हो रहा है। वहां पर अगर आप देखें जो सप्लाई है वो लगातार वही देखने को मिल रहा है, जिस वजह से काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स है जो यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को लेकर थोड़े से परेशान भी है, और यहाँ पर उनके मन में ये सवाल भी है कि सप्लाई यहाँ पर कम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लगातार यहाँ पर पर डे अगर आप देखें मिलियंस ऑफ कॉइन को बर्न भी किया जा रहा है। तो जो शिबा इनू की टीम है उसे यहाँ पर सप्लाई पर थोड़ा वर्क करना चाहिए। जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अगर आप देखें लगातार वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइस की, प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 2% डाउन में और 82 की सीरीज में ये आ चुका है। मतलब फिर से यहाँ पर 82 का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं इसने हिट किया है, और लास्ट 24 आवर्स में जो डाउनफॉल है कहीं ना कहीं मार्केट में जो वॉलिटिलिटी वो आप देख सकते हैं देखने को मिल रही है। 82 के लेवल से बाउंस बैक किया था, फिर से इसी रीजन पर आ चुका है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर अभी बात करें ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो वो भी आप देख सकते हैं 23% अभी भी डाउन में चल रहा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डीसी के थ्रू ही आपको बाय करना है, एक साथ पूरा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अपडेट्स तो काफी अच्छी आ रही है पूरे मार्केट में, लेकिन जिस प्रकार से मार्केट अभी मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है, प्राइजेस पर अगर आप देखें इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, प्राइस अभी भी डाउन में जा रहे हैं। बीटीसी लगातार यहां पर 19 और 20 का जो जोन है उसके बीच में एक्युमुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ऑल टाइम लो की बात करें उससे आप देख सकते हैं अभी तो अच्छा खासा ऊपर है, और अगर हम 10 पैसे की बात करें इसका प्राइस 10 पैसे इसलिए जा सकता है क्योंकि लगातार यहां पर इसकी जो यूटिलिटी है यूज केस बढ़ रहा है, ये इसके लिए काफी पॉजिटिव अपडेट है। काफी बड़ी कंपनीज यहां पर एक्सेप्ट कर रही है और बर्न मैकेनिज्म यहां पर अप्लाई जरूर हुआ है। बर्निंग अच्छी खासी स्पीड में होगी तो वो काफी पॉजिटिव होगा और उस वजह से यहां पर जो प्राइस है वो अच्छा खासा जा सकता है। तो बर्निंग पर थोड़ा सा वर्क यहां पर टीम करेगी और बर्न की स्पीड अगर बढ़ेगी तो यहां पर जो 1-0 है वो तो हम यहां पर इस महीने ही कवर करते हुए देख सकते हैं इसे। मतलब 1-0 यहां पर ये किल कर सकता है और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं एक और 0 को किल करना इसके लिए काफी बड़ी बात नहीं होने वाली। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो प्राइस है उस पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है, जिस प्रकार से यहां पर जो इकोसिस्टम में अपडेट्स देखने को मिल रही है और काफी सारी कंपनीज यहां पर इसे एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म बेसिस पर काफी सारे होल्डर जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा होल्डर्स है जिन्होंने इसे लॉन्ग टर्म पर होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म पे होल्ड करके रखा हुआ है कम प्राइस में तो यहां पर आपको ये अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकता है। शॉर्ट टर्म में आए हो तो आप यहां पर अपना प्रॉफिट जो है वो लगातार बुक करते हुए आगे बढ़ सकते हो। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। अब हम आपको मिलते किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।